चलिए अब खबरों का रुख कर लेंगे। तो एमपी बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति के प्रमुख पूर्व मंत्री जयंत मलैया को बताया है। पद मिलने के बाद उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र को लेकर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा नौजवानों, महिलाओं, किसानों, शोषित वंचित वर्गों के लिए काम करती है। इस बार भी हम इसी दिशा में काम करेंगे। कांग्रेस के मुकाबला करने के सवाल पर जयंत मलैया ने कहा, पिछली बार जो वादे कांग्रेस ने किए थे कर्ज माफी का, वो वादा पूरा नहीं कर पाई। पार्टी से नाराजगी को लेकर कहा कि हम नाराज नहीं थे और प्रभात झा का तो सवाल ही नहीं उठता। तो घोषणा हुई है, सभी साथियों के साथ बैठ के चर्चा करेंगे और जो भी भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है, तो घोषणा पत्रों में चीजों को जवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और भी जो शोषित वंचित पीड़ित लोग हैं उनके लिए हमेशा काम करती रही है। मैं समझता हूँ इस बार हम सब बैठकर इसी दिशा में आगे काम करेंगे कि कैसे हम प्रदेश को, प्रदेश के लोगों को आगे ले जा सकते हैं।